यहाँ से एक छोटा सा क्रूज चलता है फोर्ट सिंगापुर रिवर। हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाएंगे एज पर मिस्टर मेहता। मैं जाऊँगा मतलब अकेले जाके क्या करना है आपने मॉर्निंग वॉक पे? सेल्फ कियोस्क है टू ऑर्डर हैप्पी आवर्स $9। हम आ गए हैं क्लार्की। सिंगापुर की मोस्ट हैपनिंग एरिया का नाम है क्लार्की। और कैसा है ये, यहाँ पे क्या इसको इतना हैपनिंग बनाता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, तो साथ में बने। तो दिस इज़ क्लार्की। आप ये साइनेज देख सकते हैं, वो हमें बता रहा है कि रिवर वैली के लिए हमें उस साइड जाना है और फॉर द फूड एंड द पब्स हमें इस साइड जाना है। अभी तो स्टार्ट हुआ है यहाँ का माहौल, इवनिंग होने लगी है थोड़ी ज़्यादा, जैसे ही 7:30 तो यहाँ पे आपको एक भी पब के बाहर की सिटिंग खाली नहीं दिखेगी। और सब कुछ पूरी तरह से, जितनी भी आउटसाइड सिटिंग हमें दिख रही है, ये सब कम्प्लीटली ऑक्यूपाई होने वाली है। छोटा सा एक फाउंटेन पॉट बना हुआ है यहाँ पे, वो डिस्ट्रिक्ट वाला तरफ जा रहा है रास्ता, और यहाँ से रास्ता अलग तरफ जा रहा है। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया। यहाँ भी सारे पब्स बने हुए हैं, और ये अभी सर थोड़ी देर में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्ड अप होने वाले हैं। साइनेज आ गई है नॉट लाइफ के लिए, परफेक्ट है। जिसको पार्टी करनी है, जिसको क्लबिंग करनी है, उसे कहीं और नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे हर रेंज के रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे, अल्टी क्यूज़ीन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। इंडियन खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना है, क्या खाना है ये देखिए। ये सारा रिवर वैली रोड आ गया, और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे बोट राइड्स भी होती है, और उसको देखिए रिवर साइड पॉइंट, और वो सामने हमें दिख रहा है हॉलीडे इन। रिस्ट्रिक्शंस अभी भी सिंगापुर में बहुत हैं, और इसी वजह से इस एरिया में थोड़ा सा अभी कम शोर शराबा है। प्लस इट इज़ नॉट अ वीकेंड हियर, तो इसलिए भी अगर यहाँ पे फ्राइडे नाइट सैटरडे नाइट होती तो बहुत ही अलग माहौल होता है यहाँ का। बट सिंस इट इज़ अ वीक डे एंड टमोरो इज़ ऑल्सो अ वीक डे एंड स्पेसिफिकली द रिस्ट्रिक्शंस आर स्टिल ऑन, तो इसी लिए अभी इतना ज़्यादा शोर लोग नहीं है, भीड़ नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था
कि अभी धीरे धीरे यहाँ पे सारी अकोमोडेशन फिल्ड अप हो जाएगी। और वो देखिए ऑलमोस्ट लोग आके बैठ चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी ऑक्यूपाइड प्लेसेस। यहाँ से एक छोटा सा क्रूज चलता है फोर्ट सिंगापुर रिवर। अभी हम जाके देखते हैं कि उसके टिकट्स की क्या प्राइसेस हैं और क्या वो भी अवेलेबल हैं। फ्यूचर वन ऑफ द मोस्ट प्राइम रेस्टोरेंट ऑफ दिस एरिया। और अब हम क्लार्क की से उतर के बोट की तरफ जा रहे हैं। 7 to 8 minutes की वॉक है गूगल मैप्स के हिसाब से, तो अब हमने चलना शुरू कर दिया। ऑलरेडी 2 minutes हो गए हैं मुझको चलते चलते। देख सकते हैं पूरी रोड पे भी कोई ट्रैफिक नहीं है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि रात के 1 बज गए और जबकि अभी 9 की एक और जूस काउंटर है। सिंगापुर का वेदर बहुत ह्यूमिड है, इसीलिए यहाँ पे जगह जगह ऐसे कियोस्क लगे हुए हैं फॉर जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड वाटर। और ये सामने से अब हम पहुँच जाएंगे बोट की। तो मैं वो बता रही थी कि यहाँ पे मैंने मास्क के बिना किसी को नहीं देखा। इंडिया में हमारे पास मास्क नहीं है तो कोई कुछ नहीं कह रहा फ़िलहाल, करेंटली ना कोई चलान है, दिल्ली में कुछ भी नहीं है और मास्क नहीं है और क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में या कहीं भी तो बिल्कुल है ही नहीं कोई ऐसी। पर यहाँ पे मास्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ ईटिंग आउटलेट्स पे आप मास्क के बिना ट्रेस टुगेदर की आपके बिना हाँ कहीं एंट्री नहीं है ट्रेस टू। मैंने तो बताया है जहाँ जहाँ मैंने आप लोगों के साथ एंट्री करी है, आप देखिए बिना ट्रेस टुगेदर ऐप के किसी भी जगह पे हम एंट्री नहीं कर सकते। इवन एक टेंपल में भी हमें ट्रेस टुगेदर ऐप की वजह की उससे ही एंट्री मिली थी। अभी हम आ चुके हैं बोट की में। बॉलीवुड लाउंज मसाला आर्ट की वाइफ। और ये है 7-Eleven, ये यहाँ की साउथ एशिया की बहुत ही फेमस सुपर मार्केट है। थाईलैंड में सिंगापुर में 7-Eleven आपको बहुत मिलेंगे। अब ये कहाँ गया है आयरिश पब मॉली मेलॉन। और आप ये देख सकते हैं कि मर्सिडीज कार खड़ी है और उसका आप कलर देखिए ब्राइट पिंक कलर का शेड है। मर्सिडीज ई क्लास है।
और अभी हम बैक स्ट्रीट से फ्रंट में जा रहे हैं बोट की जो हमें रिवर क्रूज से दिखी थी। सबसे पहले यहाँ पे आ गया मैकडॉनल्ड्स, पर अब यहाँ पे देखिए सिंगापुर की वाइब जो कि थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। हार्डकोर पार्टी तो नहीं हो रही है बट फिर भी ये यहाँ का ये मेन्यू है मैकडॉनल्ड्स का, और मैं आपको मैकडॉनल्ड्स के अंदर भी लेके जाती हूँ। यहाँ पे सेल्फ कियोस्क है टू ऑर्डर, और यहाँ से अब चेयर सिटिंग है यहाँ पे, और ये है काउंटर्स की टेक द फूड एंड ऑर्डर अगर आपको कियोस्क ऑर्डर नहीं करना तो, क्योंकि सारे के सारे सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क बिजी थे इसीलिए मैंने आपको वो कवर करके नहीं दिखाए हैं। बट बहुत ही सिंपल होता है, वहाँ उनका मेन्यू आता है उसमें उन्होंने लिखा होता है चिकन वेज पोर्क बीफ जो भी आपकी ऑप्शंस हैं, और फिर उसके बाद आपके पास जो जो उसमें अवेलेबल होता है वो दिखता है वहाँ पे, आपको उसको टच के थ्रू सेलेक्ट करना है, कार्ड लगाना है मशीन में और पेमेंट कर देनी है। और अब ये देखिए सिंगापुर बोट की पे हम पहुँच चुके हैं, और बोट की थी वाइड बोट की वाइड Everyone is busy, having dinner, talking, partying. We have this view. This is the Podium London Park. और उसके बाहर इतना रश है। Now we are entering the main lane of the boat key. And you can feel the vibe and the rush and the happening things that are happening here. Happy hour, $9 for beer. $18.26. Look at this, the harvest seafood. यहाँ पे आप fresh seafood खा सकते हैं। They serve the fresh seafood. ये है सिंगापुर बोट की और क्लार्क की वाइब, हार्डकोर पार्टी, लॉट्स ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ ड्रिंक, बट फिर भी बहुत कम है।
इससे भी ज़्यादा होती हैं। ये जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे भी फ्रेश सी फूड मिलेगा। क्या खाना है आपको? ऑल दीज आर लाइव एनिमल्स, व्हाट एवर यू वांट टू ईट। सो दिस इज़ जस्ट अ डिस्प्ले, ये कुछ भी खाली नहीं होता, ये सब कुछ फिल्ड अप होता है इफ़ इट इज़ अ वीकेंड। ये एक रेस्टोरेंट आया है इंडियन हाउस, ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन इट इज। और ये इनकी सिटिंग है बोट की, 46-49 बोट की, एंड दिस इज द सिट आउट। मुकाटा जो हमने कल आपको दिखाया था, और जिस रेस्टोरेंट की नारा की बात मैं कर रही हूँ वो ये आ गया है। तो ये उसकी है इनसाइड सिटिंग, ये देख लीजिए, ये है किनारा। और ये है उसकी आउटसाइड सिटिंग, और ये है इनका मेन्यू। हेलो, हाय। तो अगर आप इंडियन फूड को बहुत पसंद करते हैं और बोट की पे डिनर करना चाहते हैं तो किनारा पे आइए। मैंने ऑलरेडी इनका खाना पहले खाया हुआ है, खाना बहुत ऑसम है और इसीलिए मैं दोबारा यहीं पे आई हूँ। हो गया, और यहाँ से अब हम बाहर आ गए हैं बोट की के। यहाँ से आप बाय कैब, बाय फुट कैसे आप अपने आगे होटल तक जाना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। ये है बाहर इसकी एग्जिट। तो ये था हमारा बोट की और क्लार्क की का सफ़र। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर, और मिलते हैं अगली वीडियो में।